बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, होप यू आर फाइन। आई एम टीचर मिस अनाज। टुडे वी शैल स्टडी साइंस ऑफ क्लास 5, लेक्चर नंबर 8 फ्रॉम चैप्टर नंबर 1, एंड द नेम ऑफ चैप्टर इज क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग थिंग। द टॉपिक दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस टुडे इज नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स। यू कैन फाइंड दिस टॉपिक ऑन पेज नंबर 13। लेट्स स्टार्ट स्टूडेंट्स, ये हमारे टॉपिक जो है वो हमारे चैप्टर नंबर 1 का लास्ट टॉपिक है, ठीक है। सबसे पहले हम फ्लावरिंग प्लांट की डेफिनेशन पढ़ेंगे। द प्लांट्स विच डू नॉट बियर फ्लावर्स आर कॉल्ड नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स। यानी कि ये ऐसे पौधे होते हैं जिनके ऊपर फूल नहीं लगते, ठीक है। इनके ऊपर, इनके पास कोई फ्लावर्स नहीं होते, सिंपली इनके पास लीव्स होते हैं, स्टेम होती है, रूट होती है, लेकिन फ्लावर्स नहीं होते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। अब हम आ जाते हैं इनकी एग्जाम्पल्स पर। एग्जाम्पल क्या है हमारे पास इसकी? सबसे पहले हमारे पास एग्जाम्पल है कॉनिफर्स, फर्न्स, मॉसेस एंड लिवरवर्ट्स, ठीक है। कॉनिफर्स, फर्न्स, मॉसेस एंड लिवरवर्ट्स, बारी बारी अब हम इनको डिस्कस करेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। सबसे पहले हम फिगर्स अंडरस्टैंड कर लेते हैं हमारे पास नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स कौन से हैं। ये हमारे पास कॉनिफर्स हैं, देखें ये इन पर कॉन्स लगी हुई होती हैं, ठीक है। इनकी रिप्रोडक्शन में हेल्प करती हैं, ठीक है। देख रहे हैं आप ये प्लांट किस तरह का है, इसके ऊपर फ्लावर्स मौजूद नहीं होते, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है फर्न्स। फर्न्स में आप देखेंगे एक जो पत्ता है वो मज़ीद डिवाइड हुआ हुआ है, ठीक है। एक पत्ता मज़ीद छोटे छोटे लीफलेट्स में डिवाइड हुआ हुआ है, छोटे छोटे से पत्तों में डिवाइड हुआ हुआ है एक लीफ, ठीक है। इनके ऊपर भी फ्लावर्स नहीं लगते। नेक्स्ट ये हमारे पास मॉसेस हैं, देखें सिंपल हमारे पास स्टेम है, ठीक है, और लीव्स हैं, नो फ्लावर्स। ये हमारे पास लिवरवर्ट्स हैं, ठीक है। फ्लावर्स इनके फ्लावर्स थोड़े बड़े बड़े से होते हैं, ठीक है। कॉन्स होती हैं इनमें, यहाँ पर आपको नज़र आ रही हैं, स्पोर्ट्स के जरिए से वैसे ये रिप्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। ये फिगर आपको मिल जाएगा आपके पेज नंबर 14 पर। देखिए स्टूडेंट्स, कॉनिफर्स नीडल लाइक लीव्स हैं इनके, ठीक है। जैसे सुई होती है उस तरह के इनके छोटे छोटे बारीक बारीक से लंबे लंबे से हमारे पास लीव्स होते हैं, ठीक है, बारीक नुकीले और लंबे से। उसके बाद रिप्रोड्यूस बाय सीड्स डेवलप इन देयर कॉन्स। मैंने आपको एक कॉन दिखाई थी उनकी, उनके अंदर इनके सीड्स होते हैं, ठीक है। और आपको पता है सीड्स जो हैं वो रिप्रोडक्टिव हमारे पास पार्ट हैं, ठीक है। इनकी वजह से जो है वो न्यू प्लांट्स बनते हैं, ठीक है। ये हमारे पास सिर्फ कॉनिफर्स की, क्योंकि आपकी क्लास का लेवल छोटा है तो आपकी क्लास में सिर्फ इतनी ही इन्फॉर्मेशन जो है आपकी बुक में दी गई है, इसलिए हम उतनी ही इन्फॉर्मेशन डिस्कस करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास फर्न्स हैं। लीव्स ऑफ फर्न्स आर डिवाइडेड इनटू लीफलेट्स। ये देखें, ये इसका एक लीफ है और एक लीफ जो है वो फर्दर छोटे छोटे लीफलेट्स में डिवाइड हुआ है, ठीक है। नज़र आ रहा है आप लोगों को इस तरह से, ये एक पत्ता है उनका और एक पत्ता छोटे छोटे लीफलेट्स में डिवाइड हुआ है। ये रिप्रोड्यूस कैसे करते हैं? रिप्रोड्यूस बाय स्पोर्स डिवेलप ऑन द अंडर साइड ऑफ देयर लीव्स। इनकी जो लीव्स हैं उनकी निचली तरफ स्पोर्स होते हैं, स्पोर्स को हम जरदाने भी कहते हैं, ठीक है। और ये भी रिप्रोडक्शन में बहुत हेल्प करते हैं, ठीक है। तो इनकी रिप्रोडक्शन होती है स्पोर्स के जरिए से, जरदानों के जरिए से, ठीक है। और इन्हीं स्पोर्स के जैसे इनके नए जो है वो प्लांट्स बनते हैं। लास्ट में हमारे पास है मॉसेस एंड लिवरवर्ट्स। मॉसेस एंड लिवरवर्ट्स हमारे पास सिंपली स्टेम्स होती हैं, टाइनी लीव्स हैं, बहुत छोटे 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 पत्ते होते हैं इनके, ठीक है। अभी मैंने आपको फिगर दिखाया उसमें था भी। दे रिप्रोड्यूस बाय स्पोर्स डिवेलप इन देयर कैप्सूल्स। मैंने आपको लिवरवर्ट में एक वो छोटा सा हमारे पास लिवरवर्ट में कैप्सूल दिखाया था, उनमें इनके बनते हैं स्पोर्स, और इन्हीं स्पोर्स के जरिए से इनकी रिप्रोडक्शन होती है, इनकी नस्ल जो है वो आगे बढ़ती है, ठीक है स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक था नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स, जो कि कम्प्लीट हो गया। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़। डियर स्टूडेंट्स, प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल, प्रेस द बेल आइकन, लाइक, शेयर एंड कमेंट द वीडियोस। थैंक यू वेरी मच।